नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार से अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, जी हां, आपको बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाले मामले के देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखा गया था, जमानत को लेकर उनका पक्ष रखा गया, जिस पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि लालू यादव को जमानत तो मिली है, जमानत के साथ उन्हें एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अभी भी उन पर दो और मामले बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई के बाद 50,000 रुपए के दो निजी मुश्किलों पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई है। इसके साथ ही हम आपको सुनाते हैं कि लालू यादव के वकील ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, हो गया सेटल, क्या हुआ? आज लालू जी को दोनों पक्षों से सुनने के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय क्या ग्राउंड बनाया गया था? हम लोग का ग्राउंड था कि उस केस में 3.5 साल की सजा हुई है, उसमें हम हाफ सेंटेंस से ज़्यादा हो गए, अब अदर जो भी एक उसको सजा हुई थी हाफ सेंटेंस में हमने बेल ग्रहण किया था, तो हमने भी उसी को इसलिए जब कोर्ट में मांगी है चल के 50,000 पीसी रुपये के साथ जो है दो मुचलका लेना है। पासपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा गया, हमने पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था, हमने कहा कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है, ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, रिन्यूअल नहीं हो पाया, आज के डेट में हमारे पास कोई पास नहीं। तो देखा आपने कि कैसे लालू यादव को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन उसके बावजूद वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अभी भी वो दो मामलों में फंसे हुए हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।